फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चाइनीज हेवी रॉकेट फॉल टुडे मॉर्निंग ओवर इंडियन ओशन ऑन दिस कंट्री। कौन सी कंट्री भाई? मालदीव्स। पता चल गया कैसे? इसमें नहीं, यार, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मालदीव्स में, मालदीव्स के पास गिरा है या मालदीव के किसी आइलैंड में गिरा है, मगर उसको ऐसा माना जा रहा है कि नो बिग डील। तो देखते हैं क्या है। तो बच गए, मतलब भगवान ने बचाया है, मैं तो यही कहूंगी। तो चलो वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन है सच नहीं। मैं पता करना चाहती थी, पर मुझे पता था कि आप बोलोगे रिएक्शन करने को, तो भाई रिएक्शन तो फिर ओरिजिनल होना चाहिए ना। तो मैं इनकी तरह न्यूज चुपके चुपके पढ़ती नहीं रहती हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते चीन द्वारा भेजे गए अपने सबसे भारी भरकम रॉकेट में गड़बड़ी आ जाने के कारण चीन का यह रॉकेट वापस धरती पर आज गिर चुका है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर सीसीटीवी से लेकर अमेरिकी स्पेस कमांड और एरोस्पेस कॉर्पोरेशन से लेकर प्राइवेट स्पेस ट्रैकर नाम की कंपनियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोस्तों, ये चीन का रॉकेट पिछले हफ्ते छोड़ा गया था और चीन इसके जरिए अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की ओर फोकस कर रहा था, और उसे एक उम्मीद थी कि अगर ये सक्सेसफुल होता है मिशन, तो आने वाले समय में इसी रॉकेट में उनके एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन की ओर छोड़े जाएंगे। लेकिन ये मिशन किसी कारणों से सफल ना हो सका और उसका ये भारी भरकम रॉकेट वापस औंधे मुंह आज धरती पर गिर गया है। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिरकार ये किस देश की जमीन के ऊपर गिरा है और कितना नुकसान इस रॉकेट ने किया है। दोस्तों, लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस की एजेंसीज रात को तैयार थी कि आज 9 मई को, रविवार को, ये चीनी रॉकेट वापस धरती पर गिरने वाला है। और रात 12 बजे से लेकर, जब 9 मई का सुबह हुई थी, 1 बजे से लेकर, 2 बजे से लेकर और 3 बजे तक लगातार स्पेस ट्रैकिंग एजेंसियां लगातार अपनी नजरें गड़ाई हुई थी कि किसी न किसी तरीके से चीन के इस रॉकेट की तस्वीरें ली जाए या फिर इसे ट्रैक किया जाए। और सुबह 3:30 बजे से इसे ट्रैकिंग में लगा रखा था। और जो अभी हाल ही में आधा घंटा पहले ही एक अपडेट आई है, जिसमें चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने कहा है कि उन्होंने अपने जो एक रॉकेट छोड़ा हुआ था, सबसे भारी भरकम रॉकेट था, और अमेरिका की मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा चलाया था कि ये तो नुकसान पहुंचाएगा लोगों को, और इसी के चलते अब उन्हें एक राहत की सांस लेनी चाहिए कि उनका जो रॉकेट है आखिरकार समुद्र में ही गिरा है। लेकिन कहां पर गिरा है आज आपको बताएं, तो इंडियन ओशन में यह गिरा है। भारत के बिल्कुल नजदीक पड़ोसी देश मालदीव के पश्चिमी साइड में यह रॉकेट गिर चुका है। हालांकि जरूर जब यह रॉकेट वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री किया, तब इसमें आग लग गई थी और बहुत छोटे छोटे टुकड़े समुद्र के अंदर मालदीव के पश्चिमी साइड में ये गिरे हैं। दोस्तों, ये रॉकेट समुद्र में गिरा है तो चीन की सरकारी मीडिया ने सांस में से सांस ली है, क्योंकि अगर ये रॉकेट मालदीव के साथ भारत के अंदर गिरता तो चीन की खैर नहीं थी। खैर, इसके बाद सीसीटीवी ने अपडेट दी तो अमेरिकी स्पेस कमांड ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया, स्पेस ट्रैकर ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, और एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने भी इसके ऊपर ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी। वैसे चीन की इस नाकामी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस चीनी रॉकेट ने एटलीस्ट ये तो कह ही सकते हैं कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट से लेकर लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी कि आखिरकार ये रॉकेट किस देश में गिरने वाला है। लेकिन अंत में भारत के और पूरी दुनिया के धरती के अंदर जो 70% पानी है, वहां पर ही ये रॉकेट गिरा है, और चीनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। तो फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगी बाल बाल बच गए। वो कह रहे थे क्या सांस में से सांस ली है, राहत की सांस ली है बोलने की जगह सांस में से सांस ली है। तो मैं यहां बोलो कि बाल बाल बचे वो। पर डेफिनेटली इससे पूरे वर्ल्ड को एक सीख मिलती है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस या रूल्स होने चाहिए कि जब कोई ऐसे स्पेस में कोई चीज भेज रहा है और वो मैल फंक्शन करे, तो जिस कंट्री ने भेजी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और क्या उसके ऊपर एक्शंस दिए जाएंगे या क्या होगी अगर इस टाइप से कुछ हो जाए, किसी कंट्री में गिरे या उनका नुकसान हो, ये बहुत क्लियरली एक मतलब बनाया होना चाहिए। होपफुली हो सकता है बनाया भी हो, पर लग नहीं रहा जिस तरह से न्यूज थी कि सब घबराए हुए हैं कि कहां गिरेगा नहीं गिरेगा। सबसे पहले तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए आपको, इस टाइप से बना के पूरा कहते ना फूल प्रूफ बनाया होना चाहिए कि वो जाए और अगर कोई भी
गड़बड़ होए तो एटलीस्ट अर्थ पे आके उसका वो नहीं हो नुकसान। तो पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, पर ये है कि बच गए हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं गिरा, पानी में गिरा है। और चांसेस वैसे भी पानी में गिरने के ज्यादा होंगे क्योंकि अर्थ में मोस्ट ऑफ द एरिया इज वाटर, तो उसने बचा लिया। पर पता नहीं अब वो वहां गिरे हैं तो वहां की जो वहां पे रह जो होंगी, मैं कहूंगी सी लाइफ, वो क्या किस वे से डिस्टर्ब्ड हुई या कुछ, उससे कोई गिरने से भी कुछ हो सकते हैं क्या, कोई रिएक्शंस आसपास के जो आइलैंड्स हो या कुछ, मुझे नहीं पता, वो तो बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि आप जो भी है आप इन्वायरमेंट को तो हार्म कर ही रहे हो। पर ये इसके बाद मैं ये कहूंगी कि चाइना के ऊपर इस बारे में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा पानी में गिर गया, इंडियन ओशन में गिर गया, बच गए सब, अब कोई मतलब चुपचाप बैठ जाओ। इनके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ताकि ये नेक्स्ट टाइम जब करें तो और कॉशियस हों और मेक श्योर करें कि ऐसा फिर से नहीं हो। क्योंकि अगर किसी ने गलती की और आप उसको मतलब उसको पे कोई पनिशमेंट ना हो तो वो उसको उसको लगेगा कि गलती तो ठीक नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी मैं गलती करूंगा, मेरे को फिर से मतलब कुछ हो गया गड़बड़ तो मैं फिर भी बच जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ तो जरूर मतलब होने चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। पर बहुत अच्छी बात है कि कहीं किसी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल अर्थ पर कि और प्रॉब्लम सहने की और सुनने की किसी में अब हिम्मत नहीं है, ना हमारे में वो स्ट्रेंथ है, ना हम में वो क्षमता है करने की सुनने की, पर भगवान ने बचा लिया। राइट, तो इसमें पहली बात तो ये है कि उनका मिशन, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम है, उनका मिशन फेल नहीं हुआ था। ये तो यही कह रहे हैं तो हाँ, तो उनका सिर्फ यही था, ये वो पार्ट है जिसको गिरना ही था नीचे, और जिसका जो है गैस पूरी खत्म हो चुकी थी, गैस मतलब जितनी भी फ्यूल है। तो उन्होंने जो जो चीजें इंस्टॉल करनी थी अपने ऑर्बिट में, अपने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, वो उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। इस पार्ट को का फ्यूल खत्म होना था, और नॉर्मली आपको कंट्रोल्ड तरीके से इन खाली शेल्स को भी गिरवाना होता है। तो जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई ये चीज, जो नॉर्मली कंट्रोल करके किसी जगहों पे गिराते हैं ओशन में, मतलब ध्यान से गिराते हैं, उसके बदले कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल में नहीं है। उनका यही था कि अब कंट्रोल में नहीं है तो काफी बड़ा पीस है, मगर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा काफी हद तक, छोटे छोटे पीसेस ही होंगे, मतलब वो मेरे ख्याल से बोले थे इतने छोटे छोटे पीसेस बचेंगे, और वो छोटे छोटे पीसेस इवेंचुअली जो है बर्न अप होके ज्यादा नहीं बचना चाहिए। होप उनकी यही थी कि वो जैसे बोले 72% ऑफ द अर्थ वाटर है, तो वहां गिर जाएगा और कुछ नहीं कर सकते, चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा। ये भी चांसेस थे शोर के, कहीं पर भी गिर सकता है, और छोटे मोटे किसी घर में गिर जाए, बाहर गिर जाए, मगर चांसेस कम थे। और वो टेंस भी थे चाइना वाले कि कुछ घपला ना हो जाए, क्योंकि और उसमें क्या होता है, रूल ये होता है कि जो भी आपको चीज नहीं चाहिए, मान लीजिए आपने एक रॉकेट भेजा, वो रॉकेट पेलोड को लेके जा रहा है, सैटेलाइट को आपने ऑर्बिट में कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसमें फ्यूल खत्म हो गया, इसको आपने फेंकना है। कुछ लोग वहां, अब स्पेस में ऐसा हो गया है कि एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बना दिया लोगों ने, वो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में अपना जंक जो है भेज देते हैं उस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में वो जंक रहता है, और वो सदियों सदियों 100 साल 200 साल, कई लोग कह रहे हैं मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए वहां ऑर्बिट करता रहेगा। एक टेक्निक तो ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि आप वो ना करें, वहां पे अपनी चीज को ना छोड़े, बस धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से गिरवाएं। अब इन्होंने ये करना चाहते होंगे, मगर इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो नहीं कर पा रहे हैं। मगर इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल कोई लॉ नहीं है, सिर्फ लॉ यही कहता है कि आप गंद मत मचाइए, आप कंट्रोल्ड करिए, मगर इन्फोर्समेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि इन्फोर्स करें। और लोग भी कह रहे हैं जब तक ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स तभी रिएक्ट करते हैं जब तक कुछ होता नहीं है, तो मान लीजिए कहीं किसी की डेबरी किसी को गिर गई, कुछ हो गया, तब शायद इंटरनेशनल लॉ बनेंगे। मगर इस बार भी काफी लोग जो है टेंस थे, मगर यूएस में वो लोगों को ये नहीं कह रहे थे कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और आसमान में देखिए, अगर आपके घर पे गिरने वाला तो भागिए, ऐसा नहीं कह रहे थे। तो लोग ये बोल रहे थे, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स की भी कुछ आई थी इंटरव्यूज वगैरह यूएस में, वो ये कह रहे थे भैया ऐसा नहीं है कि लोगों को इतना टेंस होके घर के बाहर देखना पड़ेगा कब गिरेगा कहाँ गिरेगा कहाँ गिरेगा, कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है, कोई सायरन नहीं बज रहे, कुछ नहीं हो रहा, चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा, इसे शांत रहिए। बट अगर आप वाकई ही बहुत ही इन चीजों में बिलीव करते हैं, तो
तो आप घर से बाहर आ जाइए और बैठ लीजिए, देखते रहिए आता नहीं आता। वो कह रहे हैं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा जबकि मैं एस्ट्रोनॉट हूं, राइट। मगर कंसर्न डेफिनेटली यूएस ने सामने लेके आए थे कि इन चीजों का कुछ होना चाहिए, अगर किसी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये सब चीजें ध्यान से करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं तो कहूंगी हस्बैंड ने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया वीडियो से, क्योंकि इसमें तो उन्होंने ये दिखाया कि इनका मिशन ही फेल हो गया। पर हस्बैंड कह रहे मिशन नहीं फेल हुआ था, वही पार्ट जिसने वैसे ही सेपरेट होके डिस्ट्रॉय होना था या फेंका जाना था, वही पार्ट था, वो बाहर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय होने की जगह या फेंके जाने की जगह वो राइट में आ गया। और ये नॉर्म, ये यूज यूएस की है, कहीं पर आप ऐसा कोई न्यूज नहीं देखेंगे जिसमें लिखा है यूएस मिशन फेल्ड, मतलब सॉरी चाइना मिशन फेल। आपको कहीं नजर नहीं आएगा न्यूज में कि हेडलाइंस आ रही है बड़ी बड़ी न्यूज पेपर में कि चाइना मिशन फेल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर मुझे, मैं बताऊं, अगर मैंने वो न्यूज नहीं सुनी तो समझो यूएसए में वो बड़ी खबर नहीं है, कोई छोटी मोटी कहीं किसी ने दी हुई है। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी है, भगवान ने बचाया बाबा, मैं यही कहूंगी। बस अब आगे से सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो आगे ही बहुत जो है वो कष्टों को अब झेल रही है, तो हर कंट्री को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।